एंथैल्पी आपके पास क्या होती है? एंथैल्पी इज टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, और हीट जो होती है आपके पास इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है और वर्क डन की फॉर्म में। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से, और हमने कहा कि टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, और टोटल हीट इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं और वर्क डन भी। तो एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर वर्क डन को इन फॉर्म ऑफ पी डी भी लिख दें, ठीक है, तो ये एंथैल्पी की इक्वेशन आ जाएगी। एंथैल्पी क्या होती है? टोटल हीट ऑफ द सिस्टम। अब अगर सिस्टम को हम स्मॉल रिवर्सिबल में लेके जाएं, अगर सिस्टम में थोड़ा सा रिवर्सिबल प्रोसेस आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? डी एच इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। डी एच ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू डी यू, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा पी एज इट इज। और एक दफ़ा वी ऐसे ही और डी पी। यहाँ से एक इक्वेशन ये आ गई एंथैल्पी की। फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या था? डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ से अगर हम डी यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, और वर्क को फिर से डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी। अब इस डी यू की वैल्यू हम इसमें डालेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दो। पुट डी यू इन इक्वेशन वन। डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी और प्लस वी डी पी, ये कैंसिल हो जाएंगे। डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस वी डी पी। यहाँ तक तो निकाल ली एंथैल्पी। अब आगे हमने निकालनी थी एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है? आइसोबैरिक सिस्टम होता है, तो हम निकालेंगे एट आइसोबैरिक। यहाँ तक निकालनी है। अब आगे कोई भी प्रोसेस ले आओ एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम या कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसके बाद ये करेंगे। अब जैसे मेरे पास है एट आइसोबैरिक पे निकालनी है, तो आइसोबैरिक में प्रेशर क्या हो जाता है? ज़ीरो, और डी पी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ पर पुट करेंगे डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस ज़ीरो, तो हमारे पास इसके इज इक्वल हो जाएगा डी एच इज इक्वल्स टू डी क्यू। ये इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब हमारे पास डी क्यू बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल होता है सी पी के। यहाँ पे डी क्यू है लेकिन डी टी नहीं है ना, तो हम इस इक्वेशन को करेंगे डिवाइड विद डी टी, तो ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी। और बात हो रही है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की, तो यहाँ पे भी आ जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डी एच इज इक्वल्स टू, ये चीज़ क्या हो जाएगी? सी पी, क्योंकि ये सी पी के इज इक्वल था, यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल्स टू सी पी। डी एच की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, तो ये बन जाएगी, इसको मैं उधर ले जाऊँगी तो ये बन जाएगा सी पी और डी टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई
आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। यहीं तक एंथैल्पी होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास है एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर।